वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट में ना जो जिमिन था वो ना बहुत ज्यादा ना ब्लश कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि अब ना कुछ टाइम बाद उनका फ्लाइट का टाइम होने वाला था, तो वो ना अंदर आते हैं रूम में और फिर ना वहाँ उनके क्लोथ्स ऑलरेडी पड़े थे, जो नाइटीज वगैरह जो ना पहन के ना फ्रेश अप हो सकते थे। तो वो एक एक करके जाके ना शॉवर लेके आते हैं, उसके बाद ना बेड पे आके लेट जाते बिकॉज अभी वो बहुत ज़्यादा थके थे मैरिज थिंग वगैरह से। तो अभी उनको रेस्ट का जरूरत था और अभी उन्होंने बहुत लंबा जर्नी ना तय करना था, ऐसे उन्होंने यहाँ पे नहीं रहना था, हनीमून के लिए जाना था। तो अभी उनको टाइम लगना था और टाइम चाहिए था उनको। तो इस तरह करके ना वो सारे ना वहाँ पे जो फ्रेश वो क्या थे, तो बेटा ऐसे किंग साइज का बेड था तो उस पर सब लेटे हुए थे। और उसके बाद ना सीलिंग की तरफ देख रहे थे और कुछ और बातें भी कर रहे थे आपस में करके। इस तरह करके ना उनका को थोड़ा सा टाइम स्किप हो जाता है, तो तयंग उठता और फिर कहते कि आई गेस हम अब ना निकलना चाहिए एयरपोर्ट के लिए, टाइम होने वाला। तो ना सारे टाइम की तरफ देखते हो तो हाँ सच में टाइम होने वाला था, तो सब ना अपने एयरपोर्ट के लिए ना निकल जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं फ्लाइट का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन था वो ना स्नोर कर रहा था, बहुत क्यूटली ना सोया हुआ था। उन चारों का ना अलग से एक ना क्लास था, ना फर्स्ट क्लास था जिसमें ना वो बैठे थे, और वहाँ ना उन चारों के अलावा कोई भी नहीं था, स्पेशली उनके लिए बुक किया गया था। तो वो बैठे थे और जो जिमिन था वो बहुत क्यूटली ना सो रहा था, और जो सॉरी तो ना और जो जिमिन था ना जिमिन जैसे मैंने आपको बताया सो रहा था, तो ना उसके साथ ना यूंगी भी, तो ना बहुत ही ब्यूटीफुल ना सो रहे थे। जिमिन ने ना हेड रखा था अपने ना यूंगी के शोल्डर पे, और यूंगी ने ना अपना हेड रखा था जिमिन के हेड पे, और जो तेकोक थे ना वो दोनों ना उन दोनों को देख रहे थे और ना स्मैल करते और ना अपना ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे थे, जो दोनों ना अपने अपने फेवरेट फ्लेवर्स के ना मिल्कशेक पी रहे थे, बनाना मिल्कशेक और स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। और फिर ना वहाँ का ना राइड का मजा ले लेते हैं, जो उनको ना ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो ना बिल्कुल भी सो के ना टाइम ख़राब नहीं कर रहे थे अपना। तो करके ना इस का टाइम थोड़ा सा गुजरता है, और फिर ना जब पहुंचने वाले थे तब ना यूंगी का आईज ओपन होता है, और ना जब सारा देखता है कि अभी वो नहीं पहुंचे तो आईज क्लोज करने लगता है। तो फिर ना जो उसको देखे जगह बोलते कि ना ही यूंगिया क्या कर रहे हो, उठ गया तो सो ही रहे। तो फिर ना जो यूंगिया तो कहते हैं अभी हम पहुंचे नहीं है, तो मुझे सोना है, मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं पसंद, ये बोलते और अपनी आईज क्लोज कर लेते। तो ना उसकी आवाज़ सुनिए ना जो जिमिन होता है वो भी थोड़ा सा उठता है और फिर ना देखता है सबकी तरफ। तो फिर ना जो तेंग होता है वो स्माइल करते हुए देखते हैं कि ना देखो जिमिना कितना अच्छा बच्चा है, उठ गया। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना ऐसे पाउट बनाते कहते मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो फिर ना जो तेंग होता है हंसते कहते मैं मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो फिर ना जो जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि ना तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं भी मैं बुरा हूँ, तो इस तरह बोलता है। और फिर ना उसको ऐसे एक लुक देता है। तो फिर ना जो तेंग होता है वो कहते हैं कि ना अच्छे लोगों का ना बिल्कुल फेस से ही पता चल जाता है उनकी क्यूटनेस, जो जो लोग क्यूट होते हैं ना वो बिल्कुल भी ना इस तरह के नहीं होते, बुरे नहीं होते, समझ आई। तो फिर ना जो जिमिन होते वो ना कहते मैं क्यूट ही हूँ, मैं हॉट हूँ, ऐसे बोलता है। और फिर उसको रियलाइज होता है उसने क्या बोला था, अपने फेस को ना बिल्कुल छुपा लेता है। तो फिर ना वो तीनों हंसने लगते हैं, इतना करके ना उनका राइड भी ना वो भी गुजर जाता है, उसके बाद वो पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और उसके बाद फिर वो पहुँच जाते हैं पेरिस, और उसके बाद फिर ना वो वहाँ पर ना एयरपोर्ट से उतरते, तो वहाँ पर ना उनको ना कार ड्राइवर मिलता है जो उनको रिसीव करने आया था। तो ना चारों आते हैं और फिर ना वो ड्राइवर बताते हैं कि आपके ना बैग्स को मैं ले जा रहा हूँ, आप ही कार में आके बैठे। तो ना जगह पूछे कि हमारा यहाँ से ना जो होटल है वो कितना दूर है, तो जो ड्राइवर होता है वो बताता है कि ज़्यादा दूर नहीं है, एड्रेस ये सामने ही है, मीन्स थोड़ा सा आगे, बस 5 मिनट्स की ना दूरी पे है।
तो फिर ना जो जंगकुक को ना सबकी तरफ देखते और सबसे पूछते कि आप सब थके हो, तो फिर ना सारे कहते नहीं हम नहीं थके हुए, क्यों क्या हुआ। तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो ना ड्राइवर को कहते कि ना ड्राइवर अंकल आप हमारे ना सारे बैग्स ले जाए, हम ना वहाँ पे ना खुद ही आ रहे हैं, आप एड्रेस ना मेरे नंबर पर सेंड कर दे। तो फिर ना जो ड्राइवर होता है कहते कि ना आर यू श्योर सर, तो फिर ना जो ड्राइवर ये पूछते तो जंगकुक बोलते यस आप कर दें। तो फिर ना ड्राइवर कहते ओके एज यू विश, तो ये बोलते और उसके बाद फिर ना वहाँ से चला जाता है एड्रेस सेंड करके। तो फिर ना जो जंगकुक होता है कहते हैं अब हम ना थोड़ा सा घूमते हुए जाते हैं, हमें मजा आएगा इस तरह करके। तो फिर ना वो तीनों भी मान जाते। उसके बाद ना वहाँ पे मार्केट, छोटी सी मार्केट बनी थी, उन मार्केट के बीच में ना उनका ना वो था होटल था, और उनको ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ना उनको ना वो लग रहा था, वेदर लग रहा था, थोड़ा सा कोल्ड भी था बट ना लाइट था, मज़ेदार था, अच्छा था। तो उस पर थोड़ा सा घूमते हुए और फिर ना काफ़ी सारी चीज़ें होते थे उनको देख रहे होते और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो करके ना चारों फिर अपने ना उस पर पहुँचते हैं और करके ना होटल पे पहुँचते हैं। उसके बाद फिर ना अपना रूम दिखते, तो अपने रूम में जब आते हैं ना तो उन चारों का ना फेस वाली रेड हो जाता है, जो ना बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल के लिए ना बहुत ज़्यादा ही डेकोरेट हुआ था, जो रोमांटिकली डेकोरेट हुआ था, जिसे देखे ना चारों का फेस रेड रेड हो रहा था। उसके बाद जो जिमिन होता है वो ना स्लोली अपने उन बैग्स की तरफ जाता है और उनमें से ना देखने लगता है कि उसके क्लोथ्स कौन से, तो वो ना क्लोथ्स निकालता है और वहाँ से ना अपने क्लोथ्स निकालता है और फिर ना वॉशरूम में ना उनसे पूछते कि उनमें से किसी ने जाना तो नहीं है, तो ना चारों ना वो तीनों बोलते नहीं, तो जिमिन ना सर हाँ मिला था और वहाँ से ना चला जाता वॉशरूम में। और फिर ना तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना एक ना ऐसी नोटी सा स्माइल करते हैं। उसके बाद फिर ना अपने क्लोथ्स को निकाले बगैर ही ना उसी वॉशरूम में चले जाते हैं जहाँ जिमिन गया था। तो ना वो उसको देखते हैं, जो जिमिन था वो ना अपने क्लोथ को ना रिमूव कर रहा था, जहाँ वो शर्ट को रिमूव कर चुका था और अपनी पैंट की ना उसने वो जिप खोलने लगा था। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है वहाँ तीनों खड़े थे, तो फिर ना वो कहते आप तीनों जाएंगे यहाँ क्यों कर रहे हो, बाहर जा वो सर बोलते, और उसको ना शर्म आ रहा था। तो फिर ना जो थे बोलते कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, आज हमारा वेडिंग का फर्स्ट डे है, समझो आज वेडिंग नाइट की है, तो तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, हमने तो ये बिल्कुल लाइफ टाइम देखना है ना, ये बोलते हैं। और फिर ना जिमिन के पास आने लगते हैं, तो फिर ना जो ये होंगे तो वो भी उसके पास आ रहा होता है और जगह भी, तो जो जिमिन तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस बस थोड़ा सा अभी मैं वो शायद। तो ना जो जगह होता वो ना बाल के तौर पर कहते हैं कि ना बेबी बॉय तुम एक दफ़ा अपने डैडीज के पास होगी, उसके बाद तुम्हारा सारा शाइनस चला जाएगा। तो ना जो जिमिन तो ना स्माइल करता है, वो कहता नहीं मुझे अभी नहीं करना, मुझे अभी टाइम चाहिए। तो ना योंगी बोलते कि हाँ तुम 23 ईयर्स के हो, तुमने खुद बताया तुम जकोक से भी बड़े हो और फिर भी बिल्कुल बेबी की तरह बिहेव कर रहे हो, बेबी वाह चलो ना डैडी को ज़्यादा सफ़र ना कराओ ना, ये बोलता है। और फिर ना ऐसे अजीब सा लुक देता है, तो ना जिमिन ना कन्फ्यूज हो जाते थे और जेके और ना दे को समझ जाते थे। तो वो ना हल्का सा विस्पर करते बोलते हैं हॉर्नी एस तुम अभी से हॉर्नी हो गए। तो ना जो जियोगे तो उनकी तरफ ना ऐसे देखता है, ऐसे ना लुक बना के देखता है और फिर ना सर हाँ मिला देता। तो फिर ना वो दोनों चक्कर करते हैं और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते और अब जिमिन को ना बात सारा समझ आ जाता है। तो फिर वो बस चुप करके वहाँ पर खड़ा होते, तो वो तीनों बोलते हैं कि सो बेबी बॉय हम कर सकते हैं, तो जिमिन ना बस साइलेंट होता है वरना सर स्लोली हिला देता है। और फिर वो तीनों स्वान कहते हैं और फिर ना बिल्कुल ना उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि उसको पेन हो रहा, तो उसके पास आते स्लोली स्लोली ना जो जंगकुक होता है फर्स्ट जिमिन को किस करने लगता है, और जो जिमिन होता है वो ना किसका स्लोली रिस्पॉन्स कर देता है, बट जो जंगकुक तो वो ना किसको थोड़ा सा ना पैशनेट कर देता है, जिससे उनका स्लाइवा भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना वो कर रहे थे बिल्कुल ना एक फ्रेंच किस कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा ना वेट किस था। और जो जंगकुक था वो ना स्लोली उसके ना उस पर आ रहा था,
बिल्कुल जॉ लाइन पे किस करता हुआ ना उसके बिल्कुल जो उसकी ईयर्स थे ना उनको लिख कर रहा था। और इसी तरह ना सेम जो क्या नाम है उसका, युंगी युंगी आता है तो वो ना किस करना स्टार्ट करता है, उसकी नेक पे स्लोली स्लोली किस कर होते हैं। और जिमिन ना उसके बिल्कुल जंगकुक के माउथ में ना मौन कर रहा था। उसके बाद फिर ना स्लोली और ना उसके क्लोथ भी रिमूव कर देते हैं और उसको स्लोली ना बाटा में लिटा देते हैं। और बाटा भी किंग साइज होता है कि चारों आपस में आ सके। उन्होंने बिल्कुल ना एक रूम पैकेज बुक किया हुआ था, तो ऐसा करके ना वो चारों ना वहाँ पे बहुत ज्यादा पैशनेट ना लव मेकिंग करते हैं। मैं ज्यादा नहीं कर सकती वरना मेरा वरना जो यूट्यूब पर ना मुझे यहाँ से बिल्कुल इस चैनल से उठा के फेंक देगा, बाहर फेंक देगा, तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इस तरह उनका बहुत ज्यादा ना स्वीट से लव मेकिंग होता है, ऐसा करके उनका फिनल बहुत अच्छा ना वो भी गुजरता है, टाइम गुजरता है उनका। उस पैसे बहुत जगहों पे घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा होटल्स में जाते हैं, डेट्स पे जाते हैं। ऐसे उनका 1 मंथ का था यहाँ का ना टूर था, तो वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, जिमिन को बहुत ज़्यादा टीज भी करते हैं। और उसके साथ ना काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स रोमांटिक ना नाइट्स भी स्पेंड करते हैं। और करके ना उनका 1 मंथ गुजरता है और उसके बाद ना वो वापस आ जाते हैं अपने अपने घर आते हैं। और फिर ना वहाँ ना अपने पेरेंट्स से फर्स्ट जाके मिलते हैं और फिर ना वहाँ सब थे और वो ना डिनर कर रहे थे, तो सब ना उनको बताते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं बताते पर ऐसे करके बताते हैं। डी वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करें। टाटा बाय।